नमस्कार दोस्तों, आज मैंने दोस्तों मंगाया है अमेजोन से एक मोबाइल जो दोस्तों वन प्लस की तरफ से, इसका नाम है वन प्लस नॉर्ड CE3 5G वेरियंट। दोस्तों ये फ़ोन वैसे तो काफ़ी पुराना है, मतलब जिसको लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बट अभी जिस प्राइस पे ये मुझे मिल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार मंगा के देखा जाए और चेक किया जाए कि इसमें हमें दोस्तों क्या क्या फीचर मिलते हैं और कैसी क्वालिटी है इस फ़ोन की इस प्राइस के हिसाब से। क्योंकि जब दोस्तों ये फ़ोन आया था तब ये फ़ोन दोस्तों काफ़ी महंगा था, 26-27 हज़ार रुपये का, बट अभी जिस प्राइस में मैंने मंगाया है उस प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी फ़ोन को टक्कर दे रहा है इस प्राइस की रेंज वाले फ़ोनों को। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ, दिखाता हूँ आपको बॉक्स जिसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है। सिर्फ मैंने इस बॉक्स को ओपन किया था, इसके ऊपर एक रैपर आया था वो हटाया था और इस बॉक्स को चेक किया था कि हमें बॉक्स मिलता है फ़ोन का कि नहीं मिलता है। तो दोस्तों देख सकते हो जी है इसका बॉक्स, इसको रखता हूँ मैं अभी, और जी है इसका दोस्तों बिल जो हमें हमारी वेबसाइट पे भी साइट पे मिल जाएगा, तो हम इसको बाद में दिखाएंगे आपको क्योंकि इसमें बिल में जो रेट है वो तो पूरी रेट लग के दिखाई जाती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 17,748 जिसकी दोस्तों जो रेट है जी इसी रेट पे अभी मिल रहा है अमेजोन पे, बट मुझे ये कितने का पड़ा है जी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हो जी इसका बॉक्स है और यहाँ पे दोस्तों इसके कुछ फीचर वगैरह के बारे में बताया जाए। इसका नाम है नोट CE3 5G, मॉडल नंबर ये है, इसका कलर है दोस्तों एक्वा सर्ज, ऐसा कुछ नाम है इसका। बट दोस्तों जो मैं आपको बता दूं कि जी है इसका ब्लू कलर और ये मेड इन इंडिया वेरिएंट है। इसमें मुझे 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी मिलने वाली है और इसके अंदर दोस्तों प्रोसेसर दिया जाए स्नैपड्रैगन का 782 जी दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं बॉक्स को ओपन और दिखाते हैं आगे कि इसमें हमें मिलता क्या क्या है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वन प्लस के डिवाइस में हमें एक चीज़ देखने को अच्छी मिलती है, चाहे आप कोई सा ही मॉडल ले लो, वो क्या मिलता है वो दोस्तों मैं आपको आगे बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप करना मत, क्योंकि सैमसंग वगैरह जो होते हैं उनमें हमें दिक्कत देखने को मिलती है, तो वो दिक्कत क्या है और इस फ़ोन में दोस्तों अच्छी बात क्या है वो सब आपको इस वीडियो में आगे पता लग जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपके सामने बॉक्स को ओपन करता हूँ, उससे पहले मैंने बॉक्स ओपन करके देखा नहीं है। तो देखिए जो बॉक्स है मैंने इसका रैपर हटा दिया, अब मैं करता हूँ इसको ओपन, क्योंकि इसमें कोई भी टेप वगैरह लगा नहीं आता, सिर्फ रैपर आता है ऊपर वाला, वो मैंने हटा दिया है। तो देखिए इसके अंदर कोई बॉक्स नहीं है, क्योंकि बॉक्स जो यहाँ पर दिया गया है जो जिसके अंदर हमें पेपर वगैरह मिलते हैं, तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए जे इसमें मिलता है हमें कुछ स्टिकर जो कुछ किताब वगैरह हैं जिनको कोई यूज तो करता नहीं है, बट पता नहीं कंपनी क्यों देती है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जे इसकी सिम इजेक्शन पिन है जो यहाँ से टपक चुकी है नीचे, और इसमें मिलता है हमें एक रेड केबल क्लब कार्ड ये देखिए, जिसमें दोस्तों आप इसकी वारंटी वगैरह एक्सटेंड कर सकते हो थोड़ी, और कुछ अलग अलग फीचर हैं जिसके बारे में आपको पता ही होगा, चाहे कोई सा भी मॉडल ले लो सब में मिलता है ये। और जिम मिलता है दोस्तों हमें एक कवर। तो दोस्तों जो मैं अभी आपको एक अच्छी बात बता रहा था वो यही है कि आप सैमसंग का कोई ब्रांड लेते हो तो उसमें दोस्तों ना तो हमें कवर मिलता है और ना ही दोस्तों को चार्जर मिलता है, लेकिन इस केस इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ दोस्तों अगर आप वन प्लस को डिवाइस लेते हो तो आपको सारा सामान मिलता है बॉक्स के अंदर ही, देखो कवर मिल गया इसके अंदर। अभी मैं आपको डिवाइस दिखाऊँगा, देखिए डिवाइस ये रहा, इसको भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों देखिए जी हटाने के बाद जो मिलता है हमें 80 वॉट का एक सुपर बूप चार्जर ये देखिए, और जी है दोस्तों हमारी डाटा केबल जो है दोस्तों USB A, देखिए USB A तो टाइप सी जो डाटा केबल मिलती है। तो दोस्तों अब मैं आपको यही बताने वाला था कि इस फ़ोन में इस बॉक्स में दोस्तों वन प्लस की तरफ से हमें सारा सामान मिलता है, कवर इसके अंदर हो गया था मैंने आपको दिखाया, चाहे दोस्तों हमें इस बॉक्स में मिल ही रहा है। अब प्लस दोस्तों अभी आगे क्यों दिखाऊंगा मुझे है कि जब आप इसको ओपन करोगे
तो मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, ये देखिए। तो इसके ऊपर दोस्तों हमें एक स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई किया हुआ मिलता है। मतलब दोस्तों आपको फ़ोन लेने के बाद किसी भी चीज़ के लिए मार्केट नहीं जाना, मार्केट में भागना नहीं पड़ेगा कि इसका मैं कवर लेके आऊँ या इस पर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवा लूँ, या फिर दोस्तों इसका चार्जर नहीं है तो चार्जर लेके आऊँ। आप जैसे ही फ़ोन मंगाओगे आप इसको प्रॉपर यूज कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, क्योंकि सारा सामान हमें बॉक्स के अंदर ऑलरेडी मिल रहा है। हाँ, ये है कि आपका काम चल जाएगा उस दिन के लिए, बाद में जब आपको टाइम मिले तब आप मार्केट में जाके इसका एक अच्छा कवर ले सकते हो, इस पर अच्छा गिलास लगवा सकते हो। मतलब ये है कि आपका 2-4-5 दिन, हो सके तो 15-20 दिन भी आराम से इस प्रोटेक्टर के साथ कट जाएंगे। और कवर भी दोस्तों इतना बुरा नहीं है, कवर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, TPU वाला। तो ये कुछ था दोस्तों वन प्लस से, जो वन प्लस हमें सब कुछ इस बॉक्स के अंदर हमें देता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के फीचर की। तो चलिए मैं करता हूँ इसको पहले ओपन, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि जो ये फ़ोन है दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, मुझे ये तो काफ़ी बढ़िया लगा वन प्लस की तरफ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको ओपन करने के बाद इस बॉक्स में दोस्तों, इस फ़ोन में हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। थोड़ा जुकाम हो रहा है मुझे हल्का, तो इसलिए दोस्तों ये ओपन नहीं हो रहा। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें बिल्कुल भी बैटरी नहीं मिलती। अब इसको थोड़ा मुझे चार्ज लगाना पड़ेगा, तब ये दोस्तों ये चार्ज होने के बाद तब ये ओपन ऑन होगा, क्योंकि इसमें बैटरी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए पहले मैं इसको करता हूँ थोड़ा चार्ज, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस फ़ोन को सेटअप भी कर दिया और ऑन भी कर दिया। दोस्तों मुझे ऑन ज़्यादा टाइम नहीं करना पड़ा, ऑन करने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि जैसे ही मैंने चार्ज ये वाला चार्जर जो है इस फ़ोन से कनेक्ट किया, जो ऑटोमेटिकली दोस्तों ऑन होने लग गया, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बॉक्स में पैक था। आपको पता ही है कि ये फ़ोन काफ़ी पहले लॉन्च हुआ था, तो मैंने इसको जी चार्ज में लगाया तो जी दोस्तों 22% इसकी बैटरी दिखाया था, और मैंने चार्ज लगाते ही दोस्तों सिर्फ ज़्यादा 4 या 5 मिनट लगाया है और 22 से इसकी बैटरी 34% हो गई, क्योंकि इसके जो चार्जर 280 वाट का है जो काफ़ी फास्ट है। तो आप देख सकते हो इसमें दोस्तों हमें अभी एंड्रॉयड शायद कौन सा वर्जन मिल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सेटिंग में चलते हैं और आपको दिखाता हूँ एंड्रॉयड कौन सा वर्जन मिल रहा है हमें। अबाउट डिवाइस में आगे देखते हैं दोस्तों, तो इसमें दोस्तों अभी चल रहा है ऑक्सीजन OS 13.1, जो कि है दोस्तों काफ़ी पुराना, और जो एंड्रॉयड वर्जन भी दोस्तों इसमें 13 है, एंड्रॉयड 13, क्योंकि आपको पता है ये फ़ोन 1 साल पहले लॉन्च हुआ था, तो अभी ये दोस्तों इसमें हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, अपडेट में ज़रूर आया होगा, ये देखिए जैसे मैंने इसको चेक किया, देखिए अभी इसमें जो अपडेट है वो 13.1 का है। अब जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करता जाऊंगा, इसमें दोस्तों जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो अपडेट आते जाएंगे एक के बाद एक, तो जो मैं बाद में करूंगा क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। अब बात करता हूं दोस्तों इसके कैमरे की, तो इसमें दोस्तों हमें रियर में, बैक में दोस्तों 3 कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। आप देख सकते हो, देख रहे होंगे एक कैमरा चाहिए, 2 इसके अंदर है। इसका जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें सोनी का लेंस मिलता है 890 वाला, और 2 कैमरे हैं इसमें, एक कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, और एक है दोस्तों 2 मेगापिक्सल का जो है माइक्रो लेंस। तो दोस्तों कैमरा ठीक ठाक है, मतलब इतना बढ़िया भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है, इसका काम आपको काम से आसानी चल जाएगा। फ्रंट कैमरा दोस्तों इसका सेल्फी कैमरा जो है वो है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सोनी के सेंसर के साथ, तो ये भी कैमरा काफ़ी अच्छा है। इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें मैं 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा डिवाइस है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, और इसका जो फिंगरप्रिंट है जो दोस्तों डिस्प्ले के अंदर ही मिल जाता है हमें। और इसमें जो स्पीकर है वो मिलता है दोस्तों हमें डुअल स्पीकर, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं इस फ़ोन के अंदर। तो साउंड क्वालिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी होने वाली है इस फ़ोन की, क्योंकि जो स्टीरियो स्पीकर होते हैं दोस्तों वो काफ़ी अच्छा आउटपुट देते हैं सॉन्ग या मूवी देखते टाइम, तो इसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। और इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो इसके अंदर दोस्तों मिलता है हमें स्नैपड्रैगन का 7825G वाला प्रोसेसर, जिससे दोस्तों आप इस फ़ोन को काफ़ी हैवी यूज करोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
और रही दोस्तों बात गेमिंग की, तो गेमिंग भी आप काफ़ी अच्छी इसके अंदर कर सकते हो। तो दोस्तों ये वो फ़ोन है, ये काफ़ी अच्छा है, डुअल माइक्रो स्पीकर दिए गए हैं इसमें। अब दोस्तों इसमें आप हाइब्रिड सिम लगा सकते हो, या तो दो सिम या फिर मेमोरी कार्ड। लेकिन इस फ़ोन में एक दिक्कत है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमें 3.5 mm जैक नहीं मिलता। काफ़ी लोगों को इसकी ज़रूरत होती है बट वो नहीं मिलता। तो दोस्तों ये अब मिलता नहीं है, तो नहीं मिलता। यहाँ पे मिलता है दोस्तों हमें IR ब्लास्टर, जो आप इससे अपने TV AC वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। और जी है दोस्तों एक जो होता है नॉइस कैंसिलेशन माइक। तो इसमें दोस्तों हमें मिलता है पावर बटन इस साइड में, ऊपर मिलता है वॉल्यूम अप डाउन बटन, और इसके अंदर दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सिस्टम दिया गया है। अब दोस्तों इस फ़ोन की मैं बेसिक बात करी जाए कि आपको ये फ़ोन कैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप तो देख सकते हो इसकी बेजल दोस्तों ना के बराबर है। डिज़ाइन दोस्तों एकदम सिलेक है, एकदम पतला है, और देखने में काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। ये जो बैक है ये प्लास्टिक है, बट आपको ग्लास जैसा फील होगा, क्योंकि दोस्तों ये ग्लास होता है वो गिरने से चटक सकता है, टूट सकता है। बट अगर ये जो है अगर जो आपका फ़ोन गिर भी गया तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये प्लास्टिक है बढ़िया वाली। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है, अब मैं आपको इसको प्राइस बताता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने लिया है 17,748 रुपये का, जिसके अंदर मुझे 1250 या 1200 के आसपास या 1000 के आसपास कैशबैक मिलेगा अमेजन के ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से। तो ये फ़ोन मुझे 16,550 रुपये का पड़ा है, 8 GB 128 GB वाला वेरियंट, जो दोस्तों मैं बोलूँगा कि इस प्राइस पर काफ़ी अच्छा फ़ोन है, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस 27,000 के आसपास थी, और डिस्काउंट लगाने के बाद ये 26 के आसपास हमें मिल रहा था। बट अभी ये फ़ोन हमें मिल रहा है ये पूरा 10,000 रुपये सस्ता हो चुका है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, और इस प्राइस पर मिलने वाले फ़ोनों को काफ़ी टक्कर देता है, क्योंकि इस प्राइस पर दोस्तों हमें जो फ़ोन मिलते हैं उनमें इतने अच्छे अच्छे फीचर देखने को नहीं मिलते, और ना ही दोस्तों वन प्लस का कोई फ़ोन इस रेंज में हमें देखने को मिलता है। तो जो वन प्लस की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, वन प्लस का फ़ोन है आपके पास, और सारा सामान चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्जर डाटा केबल कवर सब कुछ आपको साथ में मिल जाता है। तो दोस्तों इस फ़ोन को लेके आपके अगर कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें, और दोस्तों इस चैनल पर बने रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें काफ़ी लोगों का सवाल ये होगा कि एंड्रॉयड 13 पे चल रहा है अभी, तो इसमें हमें कब तक अपडेट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अभी जैसे ही आप इसको अपडेट कर लोगे तो ये आपको तुरंत अभी कुछ टाइम में ही एक दो अपडेट के बाद आपका ये फ़ोन 14 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन OS भी आपको 14 प्लस का मिल जाएगा, 14.1 वगैरह का। लेकिन आपको इसमें लास्ट अपडेट जो मिलेगा वो मिलेगा एंड्रॉयड 15 का, उसके ऊपर इसमें कोई अपडेट नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों एंड्रॉयड 15 के बाद आपको अपडेट भले ही ना मिले, लेकिन ये फ़ोन आपको एंड्रॉयड 15 के साथ भी काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि जिस रेंज में हमें मिल रहा है उस रेंज से हमें दोस्तों ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। तो ये फ़ोन काफ़ी बेटर है इस प्राइस के हिसाब से। दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, वीडियो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।